रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो। यासर भाई के साथ साथ हूँ मैं, और ये अभी जानते हैं क्या रेट ले रहे हैं। क्या है जी, क्या क्या मांग रहे हैं यासर भाई? क्या मांग रहे हैं? दो मांग रहे हैं। दो दोला बीस तीनों का, तो ये 50 45 45 नहीं, 50 डेढ़ 70 70। ये साहिवाल के हैं, प्योर साहिवाल। तो फाइनल में अब कितने देंगे? फाइनल कर यार, एक 90 से ये काम नहीं होंगे। हाँ जी यासर भाई, नहीं अपने बारे नहीं, नहीं बारे से आए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की गिन सो? 1.5 सर। 1,05,000। एक कड़ी नस्ल है? अबलक। हाँ जी अबलक, अबलक अबलक। देखो ना रंग देख, माशाल्लाह अच्छा है, बड़ा सोहना है। फाइनल कितने दोगे? फाइनल जी कापी दा, एक कापी दोंदा खीरा, पक्का खीरा। अच्छा सोना। हाँ जी कितने का फाइनल, कितने का हुआ? नहीं हुआ फाइनल, फाइनल हो रहा है ना, मैं समझ नहीं काफी रह गया जी फाइनल। 1.5 बोल रहे, 1.5 तुसी मंगया, 1,00,000 काफी रहा फाइनल। हाँ जी नहीं जी यासर भैया, वजह की है आज दसो जरा साढ़े मेरे का व्यूअर्स नु? सही मंडी आज ना बहुत तेज है। आस्ता आस्ता चलो ना, मंडी बहुत तेज है। अच्छा इनकी वजह तो ना जेड़े व्यापारी ने, हाँ बड़ा ज्यादा ला दे पेन, व्यापारी जा रहे ला रहे हैं। हाँ जी वेले। अच्छा अच्छा, आप असी तकरीबन सुबह दे आए हैं तोड़े नाल, तुसी साडे नाल आए? हाँ मैं तोड़े नाल ही हूं। एक बच्चा सिर्फ सुबह दा खरीदा है, उतो 4 बज गए हैं। एक बच्चा? हाँ जी की गिनसे हैं दो ना, की गिनसे हैं? 1,30,000। 1,30,000। हाँ सही, 40,000 वाले, 40,000 वाले बच्चे जो 1,30,000 बिक रहे हैं जी। रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जी। एक की रह गया, की रेट है? 1,20,000। हाँ ला जाइए, एक बोरी फीड दी खवा देंगे ना, रुपया 4,00,000 कुर्बानी तो बांट लेगा। एक बोरी फीड दी जी यासर भाई, असर वजह क्या है, क्या मसला आ रहा है मंडी में, ये बता दे हमें। सर जी मसला ये आ रहा है जो है ना, व्यापारी जी जी वो काम है जो है ना, व्यापारी बहुत ज़्यादा है, बछड़े काम है, बछड़े काम है। हाँ जी इसकी वजह से ना जो है ना रेट वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो 30,000 का बछड़ा वो 50,000 का बिक रहा है आज। आज जी हमने एक बछड़ा खरीदा है वो 50,000 का था, हमने 70,000 का खरीदा। हाँ ये तो है, नज़र आ रहा है वो जी। अच्छा अच्छा, इसकी तो वजह से मंडी मेरे व्यूअर्स को, मेरे साथियों को क्या मछड़ा देंगे आप, कि जल्दबाजी करनी चाहिए या सोच समझ के प्लानिंग करनी चाहिए, जब आए तो प्यार मोहब्बत से चेक करे, विजिट करे, उसके बाद वारा आए बछड़े फिर ले। सर जी बात ये है, जब मंडी करनी है सोच के समझ के मंडी करनी चाहिए जी जी। अगर आप सोचे बगैर मंडी कर लोगे, आप सोचे बगैर मंडी कर लोगे, वो 3 माह में आपको नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, 3-4 लाख का नुकसान होगा। आप ये करें जी, आए मंडी चेक करें, अगर मंडी ज़्यादा रेट ज़्यादा तो बछड़ा ना ख़रीदें, आपको जो है किराया वो 5-10,000 रुपये किराया पड़ जाएगा, वो आप सह लो। उसके बावजूद आप अगर मंडी तेज़ हो, बछड़े ख़रीद लोगे, आपको 3-4 लाख रुपए वो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ जी आप ऐसा करें, मंडी आएँ, मंडी का विज़िट करें, और उसके बाद देखें कि ये बछड़ा 30,000 का ये 50 का बिक रहा है, या 30,000 का वो 25 का मिल रहा, अगर 25 का मिल रहा वो तो फिर लें, अगर 30,000 का बछड़ा 40 का मिल रहा तो फिर ना लें, फिर मंडी ना करें, सोच के समझ के मंडी करें। अच्छा यानी कि परचेजिंग करते इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। हाँ जी तो आते जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सर जी हम सुबह के आए हुए हैं,
सुबह के हम आए हुए हैं, एक बछड़ा खरीदा, गाड़ी घर से लेकर आए हैं, 20,000 रुपया किराया गाड़ी का। ये इतना फासला भी हम 20,000 सह लेंगे, लेकिन जो 3-4 लाख रुपया नुकसान होना वो नहीं सहेंगे, 20,000 सह लेंगे। एक बछड़ा लिया वो हम एक ही लेकर जाएंगे। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, आपने अच्छी बात है की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।